बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाज़िन, मैं नदीम इकबाल ईटिंग एंड आउटिंग के नए एपिसोड में आज आ गया हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक। आप मेरे पीछे इनका मज़ार देख सकते हैं। नाज़िन, मैं आपको इनकी तारीख, पैदाइश और ये ग़ुलाम थे किस तरह खरीदा गया इनको, इनके बारे में बताता हूँ और खाने की जगह भी बताता हूँ। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 में पैदा हुए। ये तुर्क थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्योंकि उनके जो इन्होंने अडॉप्ट किया था शहाबुद्दीन गोरी, वो अफगानी थे और ये तुर्क ग़ुलाम थे। तो ज़्यादा लोग समझते हैं कि यार ये तुर्की और अफगानिस्तान का किस तरह तल्लुक हो सकता है। तो ये जो कि ग़ुलाम थे, एक बचपन में घोड़सवारी का बड़ा शौक़ था, तो जिन्होंने इनको ख़रीदा वो शहाबुद्दीन गोरी के पास लेके गए, वो घोड़ों की रेस करवाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा इतनी अच्छा घोड़सवार है, तो उन्होंने बुला के कहा कि तुम मतलब इतने अच्छे घोड़सवार कैसे हो। तो उन्होंने कहा घोड़े नहीं भागते, शाह सवार भगाते हैं। तो फिर उन्होंने उनको ख़रीद लिया, फिर इनको अपना बेटा बना लिया। और शहाबुद्दीन गोरी बड़े अच्छे लड़ाके थे, आपको पता है, उन्होंने काबज भी रहे हिंदुस्तान पर। तो जब पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे, तो गोरी साहब जब लड़े थे शहाबुद्दीन गोरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब भी इनके साथ थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत जंगजू था और ये 4 साल हुकूमत नाज़रीन उन्होंने की है, 4 साल इनका हुकूमत का दौर 4 साल था। नाज़रीन, इस तरह लगता है कि 1150 में ये पैदा हुए, तुर्कस्तान थे, तुर्की में पैदा हुए, और 1206 में इन्होंने मतलब ये बादशाह बने, और उसके बाद 4 साल इन्होंने हुकूमत की, 1210 में ये वफात पा गए। ये बड़े नेक इंसान थे, और देखें आज इनके मज़ार का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंडिया में जो कुतुब मीनार है वो भी इन्होंने बनाया था। तो नाज़रीन, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ वारस निहारी, क्योंकि मैं अनारकली आया था, और अनारकली आपको तारीख बताने का मकसद ये था कि अपने बच्चों को किताबें पढ़ना भी सिखाएं। किताबें पढ़ेंगे तारीख पता चलेगी। और फूड के हवाले से मैं आज वारस निहारी, बहुत पुराने हैं, मतलब उनकी तारीख जो है 1960 में रख ली उन्होंने दुकान बनाई थी। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ, इनसे बात करते हैं और रेसिपी पूछते हैं। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मैं आ गया हूँ वारस निहारी, और आपको पता है ये कितनी पुरानी दुकान है, 1960 में ये इन्होंने बनाई थी। और आज हम इनसे बात कर रहे हैं वारस साहब से, और उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, आप इतनी फेमस है, अब आपकी निहारी उसके क्या मसाले हैं, इसकी तारीख क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। कब से स्टार्ट किया? अपनी 1960 से। तो सर इसकी क्या तारीख है? सबसे बड़ी बात है कि लाहौर में सबसे पहले निहारी मैंने ईजाद की थी, शाम को निहारी जो है, उसके बाद हमारे मसाले बहुत आला हैं बेटा, और हमारी निहारी किसी से टच नहीं, कोई निहारी हमारे साथ खानी कोई नहीं है, आला गोश्त, आला मसाले, जो स्लेटर हाउस में सुबह करते हैं वो मेरे पास आकर खाते हैं कि बारिश कैसा गोश्त डाल रहा है। सर ये बताएं कि इसकी तारीख क्या है, ये आप कहाँ से हिजरत करके आए थे? हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं,
और ये निहारी बहादुर शाह जफर ने कहा था कुक को कि हमें निहार में क्या चीज़ खिलाओगे, उसने कहा कि हम तुम्हें निहारी खिलाएंगे, सुबह के टाइम निहारी बना के। अच्छा, निहार मुंह से निहारी का जो है ये आजाद हुआ है, बहुत शुक्रिया। तो आज वारिस भाई हमें बताएंगे ये चीज़ें, इसकी मसाले, और हम आपसे शेयर करेंगे, आप घर पे अगर ट्राई करना चाहें ईद पे तो किस तरह बना सकते हैं। तो नाज़रीन चले मेरे साथ। नाज़रीन ये अंडरकट का गोश्त है बीफ, और ये बोनलेस है, और इसका वेट 35 किलो होता है जब ये बनाते हैं देर में। अब हमें शान भाई मसालों का बताएंगे, इनसे पूछते हैं। नाज़रीन गोश्त के बाद जो मसाले पड़ते हैं ना, अब शान भाई से पूछते हैं। जी शान भाई, कौन से हमें मसाले हैं सारे? ये नमक है और ये मिर्च है। कि मिर्च है, मसाले हैं हमारे देसी निहारी के जो मसाले हैं। इसमें क्या चीज़ें होती शान भाई? ये कुछ 10-12 किस्म के मसाले हैं जो बीच में डाल के तो ब्लेंड किया हुआ है। अच्छा अच्छा, कौन से? जायफल, जलवत्री, लौंग, इलायची, काली मिर्चें, सफ़ेद जीरा, और उसके बाद ये जो दम का, जो दम का मसाला है ये जायफल, जलवत्री, जायफल, जलवत्री, सफ़ेद इलायची और लौंग, और ये नमक है। ये नमक है और ये और ये बाकी ये चीज़ें। अब हम ऑयल फ्राई, ऑयल को गर्म करते हैं, ऑयल फ्राई कर दिया, प्याज फ्राई करते हैं, प्याज उसमें ब्राउन कर ली है। हाँ जी, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त डालेंगे, ओके। अब गोश्त डालेंगे और गोश्त डालने के बाद थोड़ी देर गोश्त को हम ज़रा फ्राई होने देंगे। कितनी देर फ्राई करते हैं ये कोई आधा घंटे? नाज़रीन ऑयल डालने लगे इसमें, सबसे पहले ऑयल डालते हैं देख के अंदर। शान भाई इसकी कितनी वेट क्या होता है जो देग में हम गोश्त डालते हैं? 12 किलो। नाज़रीन अब प्याज डाल दिया और इसको फ्राई कर रहे हैं। नाज़रीन देखें, फ्राई, प्याज को फ्राई किया जा रहा है और ये ब्राउन कर दिया जाएगा इसको। गोश्त डाला जाएगा? जी बिल्कुल जी, अब गोश्त चार से पाँच घंटे में बनती है? नहीं, ये कम से कम इसको 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे, वाह। नाज़रीन देखें, ये ऑयल गरम किया और प्याज को फ्राई किया, उसके बाद बोनलेस जो गोश्त है, पानी डाला भी, लहसुन और अदरक का जो है पानी वो डाल दिया, और गोश्त के जो अंडरकट है बीफ इसके पीस डाल दिए।
अब इसको शान में कितनी देर फ्राई करेंगे आप? इसको कम से कम आधा घंटा देंगे। आधा घंटा। नाज़रीन देखें, गोश्त का कलर जो है ना चेंज हो रहा है, ब्राउन हो रहा है वो देखें। और अब शान भाई कह रहे हैं कि हम इसमें मसाले डालेंगे। नाज़रीन ये पहली दफ़ा ही कर रहे हैं, इससे पहले कभी भी वारस निहारी को किसी ने शूट नहीं किया इस तरह। इनका जो तरीका कार है ये शान भाई की मेहरबानी है, इन्होंने मेरे से शेयर किए। अदरवाइज़ ये कभी भी, ये पहली दफ़ा ऑन अ हिस्ट्री शूट ऑफ कुकिंग, ये पहली दफ़ा हम कर रहे हैं कि इनके किचन में, जो कि लाइव किचन है, ओपन है, जो हम कर रहे हैं। ये गोश्त देखें नाज़रीन, साफ तरीके से इन्होंने, नाज़रीन आधा घंटा हो गया। अब इसमें मसाले डाले जाएंगे, जो ये निहारी के मसाले हैं ना, ये लाल मिर्च है, ये निहारी का मसाला है, ये 12 मसाले नाज़रीन, जलपत्री है, लौंग, इलायची है, और साबुत धनिया है, ये नमक है। अब इसको मिक्स किया जाएगा नाज़रीन। नाज़रीन देखें कितने साफ सुथरे तरीके से बनाया, और गोश्त का कलर देखें आप। नाज़रीन शान साहब हैं, ये ऑनर हैं वारस निहारी के, इनके बेटे हैं वारस साहब के, और ये ख़ुद मेक करते हैं। और देखें हर चीज़ का ख्याल करते हैं, गोश्त को साफ़ सुथरे तरीके से धो के और ख़ुद बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, और मसाले भी जो अपने अपनी निगरानी में बनाते हैं, और ये मेकिंग भी खुद ही करते हैं। नाज़रीन देखें कलर चेंज हो गया है, अब ये 15 से 20 मिनट में इसका जब उबाल आएगा तो फिर हम आपको इसकी और शक्ल दिखाएं। नाज़रीन अब ये आधा घंटा हो गया इसको फ्राई में, अब दम दे दिया जाएगा इस पर, और ये 7 घंटे के लिए इसको बंद कर दिया जाएगा। सुबह तक ये तैयार हो जाएगी, सुबह मैं आपको दिखाऊँगा इसका शौक। नाज़रीन मैंने आपको बताया कि किस तरह ये बनती है निहारी, ये 7 घंटे लगते हैं नाज़रीन, इसमें अंडर कट का गोश्त इस्तेमाल होता है, और इसके जो मसाले हैं वो 13 किस्म के होते हैं। मैंने वारिस साहब से बात की कि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नमक, मिर्च है, प्याज है, और गोश्त के बारे में बताया कि फ्रेश गोश्त होता है, और ये बीफ अंडर कट होता है, और इसको बनाने के लिए आपको 7 घंटे लगते हैं कि आप हल्की आँच में रखें और इसको देखना पड़ता है, इसमें एक दो दाल पड़ती है, वो भी नहीं उन्होंने बताई।
लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि ये आप इस चीज़ों से ये बना सकते हैं। 8 घंटे में बनता है, अंडरकट का गोश्त होता है। और निहार से जो है ना, निहारी इस तरह है कि बहादुर शाह जफर मिर्ज़ा गालिब उनके दरबार में गए थे, उनको कुछ खिला दो निहार मुँह, तो वो क्योंकि 300 किस्म के खाने बनाने आते थे, क्योंकि खाने ही तो वो खाते थे, मुगल जितने भी थे, तो वो उन्होंने बनाई निहारी बीफ से और अंडरकट के गोश्त से, उससे ये निहारी जो निहार मुँह से निहारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और नाज़रीन मुझे अब इजाज़त दें, नेक्स्ट एपिसोड में आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, तो बेल आइकॉन ऑन करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट किस जगह जाऊं। अल्लाह हाफिज़। मैं खाता हूँ तब, अल्लाह हाफिज़। बहुत आला, बहुत आला, इज एक्सीलेंट।